4 जून के बाद कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हुई तेज। उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं मोदी जी को मैसेज। शिंदे गुट के दीपक केसरकर और संजय सिरसाट के बयान से हलचल। मोदी के दोबारा सत्ता में आने की बात, 15 दिन में सरकार में शामिल हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। रवि राणा के बयान से महाराष्ट्र में बढ़ा राजनीतिक तापमान। बीएमसी ने मानसून के लिए कमर कस ली है। निचले इलाकों में 481 डीवॉटरिंग पंप तैनात किए। ट्रेन का मेगा ब्लॉक हुआ खत्म। सीएसएमटी और ठाणे से शुरू हुई ट्रेनें। एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी का पोल है। इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई सामने। शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय। छगन भुजबल छोड़ेंगे अजीत पवार का साथ। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हुई तेज। मुंबई करों के लिए जरूरी खबर। दक्षिण मुंबई में लगातार 2 दिन और 6 और 7 जून को पानी की सप्लाई रहेगी बंद। मध्य रेलवे पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 36 घंटे का ब्लॉक हुआ समाप्त। सीएसएमटी पर लोकल सेवा फिर से हुई शुरू। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच संजय राउत का बड़ा दावा। कहा इंडिया गठबंधन 295 से 310 सीटें जीतेगी। वहीं महाराष्ट्र में 35 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। कोस्टल रोड के काम के कारण आज से 31 नवंबर तक वर्ली कोलीवाड़ा प्रभादेवी का रास्ता बंद। वाहन चालक एनी बेसेंट मार्ग का उपयोग करें। सलमान खान पर हमले की साजिश में शामिल 5वां आरोपी गिरफ्तार। AK-47 से छलनी करने का था प्लान। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर। मंगलवार को राज्य में प्रवेश करेगा मॉनसून। 8 से 10 तारीख के बीच मुंबई में होगी झमाझम बारिश। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था पुणे कांड के नाबालिग आरोपी ने पूछताछ में कबूला। मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना सरेंडर से पहले बोले सीएम केजरीवाल। अरुण गवली के समय से पहले रिहाई। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 3 जून को होनी है सुनवाई। भविष्य में बेस्ट की बस सेवा चरमराने की आशंका। मई में 556 कर्मचारी हुए रिटायर। कोल्हापुर स्थित कलंबा सेंट्रल जेल में कैदी को नाले के ढक्कन से पीट पीट कर मार डाला। 1993 में मुंबई ब्लास्ट का दोषी था मृतक। मुंबई के भाईखला में 57 मंजिला बिल्डिंग में उठी आग के लपटे। कोई जनहानि नहीं हुई। बम की धमकी मिलने के बाद विस्तारा की पेरिस मुंबई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस हफ्ता ऐसी तीसरी घटना आई है सामने। लाल मिर्च पाउडर डाला फिर रस्सी से बांधा। लातूर में मानसिक रूप से बीमार शख्स की पीट पीट कर दी हत्या। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से इंदौर के लिए चलेगी पश्चिम रेलवे की समर स्पेशल ट्रेनें। 3 जून से 4 फेरे लगाएंगी ट्रेन। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल पर उद्धव ठाकरे गुट की पहली प्रतिक्रिया। उन्हें 3 से 4 दिन तक मौज मस्ती करने दीजिए, नतीजे सबको चौंका देंगे। मोदी जैसे तपस्वी ध्यानी व्यक्ति को कम से कम 800 सीटें मिलने चाहिए, संजय राउत का तंज। गणपति पुले समुद्र में डूबे 4 पर्यटक, 1 की हुई मौत। मुंबई एयरपोर्ट से 10 किलो सोना जब्त, कस्टम विभाग ने की कार्रवाई।